ओपन करने के बाद ये साइट डालेंगे पीएम किसान, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर पीएम किसान दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल दिया गया है इस पर लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पर दिया है सीएससी लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। पोर्टल का आईडी पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर दिया है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला स्टेप इस तरह का आ जाएगा। जिसकी केवाईसी करनी है जिस किसान की, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो दोस्तों फटाफट से आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर दिया है सर्च, सर्च पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिया है एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। नंबर डालेंगे, आगे दिया गेट मोबाइल नंबर ओटीपी, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों गेट मोबाइल पर क्लिक करने के बाद अगला स्टेप आपका इस तरह का आ जाएगा, एंटर मोबाइल ओटीपी। तो दोस्तों ओटीपी हमारे पास आ गया है, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आ गया है हमारे पास। ओटीपी डालेंगे, सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो अगला स्टेप इस तरह से आ जाएगा और आपने जो डिवाइस लगा रखी थी वो रोड होने लगेगी अपलोड। तो इस तरह से आपकी डिवाइस रोडिंग हो जाएगी और इस तरह से आपके सामने ई के वाई सी का कैप्चर ई के वाई सी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, जो आपने डिवाइस लगा रखी है चाहे मोर्फो या मंत्रा, उस पर लाइट जलने लगेगी और जिस किसान की आप ई के वाई सी कर रहे हैं उसका फिंगरप्रिंट स्कैन कराएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप फिंगरप्रिंट स्कैन करा लेंगे तो आपके सामने ये सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप आपका इस तरह का आ जाएगा मेक पेमेंट का, और आपकी ई के वाई सी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको मैक पेमेंट करना है, मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज रीअपलोड होगा और इस तरह से आपके सामने जो डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट दिया गया है उस पर आपको ले आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद क्या करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और अपना वॉलेट पिन डालेंगे। तो दोस्तों फटाफट से वॉलेट पिन डाल लेते हैं, और वॉलेट पिन डालने के बाद पे पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से रिसीव आ जाएगी, जिस किसान की आपने ई के वाई सी की है तो इस तरह से उनकी रसीद आ जाएगी और इस रसीद को आपको किसान को प्रिंट करके दे देना है। तो दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वर्क कर रहे हैं और सीएससी वेल ली है, अगर आपकी डिवाइस में लाइट नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी हम हेल्प कर सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।